आप इस रोड के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आज हमने इस रोड के बारे में जब से इसका काम किया हुआ था ठेकेदार साहब ने, उसके बाद 2-3 महीने हो चुके हैं, इस रोड की मरम्मत ठीक नहीं है। जब भी बारिश आती है तब भी इस रोड की हालत बहुत खस्ताहाल हो चुकी है। आज हमने गांव वालों ने मिलकर इसका मरम्मत ठीक की हुई है। जहाँ से खड्डे बने हुए हैं यहाँ से हमने इसको मलबा मिट्टी के और पत्थर से बिछाई की हुई है। आज हमने गाँव वालों ने हमने खुद अपने जेब से आज पैसे कम से 4-5 हज़ार खर्चे हुए 2-3 दिन से, हमने उसको अपने खर्चे पे इसका काम शुरू कराया हुआ है। हम डिपार्टमेंट से यही कहते हैं कि जल्द से जल्द इसका गांव तक शनोत गांव तक इसका मेटलिंग की जाए, ताकि यहां पर गाड़ियों की आने जाने की आपत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि बारिश में यहां पर हमें माल सामान लाना पड़ता ठारी से, और यहां पर बारिश में गाड़ी नहीं आती है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है स्कूल जाने की। जब स्कूल खुलते और बच्चों को गाड़ी मौके पर गाड़ी नहीं मिलती यहां पर, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर गाड़ी नहीं आती है, बारिश की वजह से यहाँ पर गांव तक। हम यही डिपार्टमेंट से हम यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत की जाएगी। जहाँ से भी इसका काम शुरू हुआ है वहाँ से लेके कम से कम जुड्डी तक इसकी मेटलिंग की जाए, क्योंकि अब आज तक हमें बहुत इस रोड के बारे में जब से भी ये रोड बनी हुई है तब से इसका काम जब इसका स्टार्ट हुआ था आज ठेकेदार साहब को कम से कम 2 महीने हो गए हैं और इसने यहाँ से काम स्टार्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमने को 10-15 बार डिपार्टमेंट के पास भी चले गए और ठेकेदार साहब ने यहाँ से मशीन सब उठा के ले गया और इसका काम शुरू नहीं किया हुआ, क्योंकि गांव जहाँ से गांव है गांव के साथ में जो भी मकान है वो मकान बारिश की वजह से डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश जब भी बारिश आती है और गाँव में कुछ घरों के अंदर पानी आता है, क्योंकि इस रोड के साथ में शांति स्वरूप का मकान है, राजू मास्टर का मकान है, एक मंदिर है साथ में, जितने भी मकान हैं वो उन मकानों को बारिश की वजह से बहुत पानी अंदर आता है, और कल कोई अगर वो मकान डैमेज हो गए तो डिपार्टमेंट से हम ये अपील करते हैं, क्योंकि उन मकानों का जिम्मेवार डिपार्टमेंट है और डीसी साहब रहेगा, क्योंकि हमने डीसी साहब तक भी पहुँचाई थी बात, क्योंकि वहाँ से बारिश होती है, जब भी बारिश होती है तो वहाँ पर मकानों को पानी बहुत आता है, क्योंकि ठेकेदार साहब ने तब कहा था कि मैं यहाँ से मलबा उठा के नाले में फेंकूंगा, और उसके बाद ठेकेदार को हमने 10 बार कहा कि यहाँ से जब भी आप इसका काम करना होगा आपने इसका ये मलबा शलबा जो भी मकान के पीछे मलबा पड़ा हुआ है इसको डैम्पर पर इसको मलबे को बहुत दूर लिया जाएगा, और ठेकेदार उसको कम से कम 2 महीने हो गए हैं क्योंकि यहाँ से उसने काम छोड़ के चले गया और उस साइड से उसने काम स्टार्ट किया है। और हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं ठेकेदार साहब को भी और डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि जो भी मकान डैमेज होंगे यहाँ से और उन मकानों का जिम्मेदार डिपार्टमेंट और ठेकेदार रहेगा। आप डीसी साहब से क्या कहना चाहेंगे? हम डीसी साहब से ये कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जल्द से जल्द जहाँ से गांव शुरू होता है उस गांव तक रोड की मेटलिंग जल्द से जल्द की जाएगी, और जो भी इसकी ब्रेस्ट वॉल लगेगी, बाकी इसके दंगे शंगे जो भी लगेंगे इसकी वॉल जो भी इसकी लगेगी और उसका काम जल्द से जल्द किया जाएगा, क्योंकि गांव तक बहुत ही ख़राब रोड है, क्योंकि हमने इसका एक वीडियो भी बनाया हुआ आज हमने ये डीसी साहब को भेजना है कल या सोमवार को, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट से ये भी कहा था कि आप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आपको काम करने की, क्योंकि आप बरसात से भी जिला ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया है, बड़े बड़े डैम्पर भी आते हैं गाँव तक पहुँचते हैं डैम्पर पहुँचते हैं आजकल, और आज हम ठेकेदार से ये भी कहते हैं कि जल्द से जल्द ये गाँव तक इसकी मेटलिंग की जाए, और डिपार्टमेंट को हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितने से जल्द होगा इसकी मेटलिंग गाँव तक की जाए, ताकि लोगों को आने जाने की दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पर। चलिए हम रोड के फोटोज दिखाइए। अच्छा।